हेलो फ्रेंड्स हमने आपके लिए इस वीडियो में एक प्रोडक्ट रखा है जो हम आपको दिखाएंगे और ये प्रोडक्ट हमने मंगाया है अमेज़न डॉट इन से ठीक है ये इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर है और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है बहुत ही मतलब एजुकेशनल प्रोडक्ट है मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है ठीक है देखिए पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं मतलब तो जो एजुकेशनल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशन किसी प्रोफेशन से जुड़े हों तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी ठीक है और हिंदी में यहाँ पर इन्होंने लिख रहा है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, ठीक है अब मैं आपको बता दूँ कि देखिए इसमें क्या चीज़ें होती हैं ठीक है ठीके? ये डिक्शनरी है और इसके अंदर होते हैं वर्ड्स मीनिंग ठीक है ये एस के वर्मा आर एन सहाय की लिखी हुई है और ये देखिए इसमें ये इनकी विषय सूची है और यहाँ पर ये सबसे पहले तो इन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा है इंट्रोडक्शन है ये यहाँ पर ठीक है और ये इन्होंने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है और मैं भी आपको इसमें बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे डिक्शनरी को हम यूज़ करते हैं ये कुछ एवरीवियशंस हैं यहाँ पर और कुछ सिंबल्स वग़ैरह इन्होंने दे रखे हैं ठीक है ये देखिए इस तरीके से ये ये सिम्बल्स हैं और एवरीबियशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं ये हैं एवरीविएशंस ठीक है ए डबल बी आर एब्रीविएशन ए डी जे ये हो गया एडजेक्टिव ए डी वी ये हो गया एडवर्ब ये हैं सारी देखिए नीचे तक ये इसमें और कुछ ये इधर इन्होंने दे रखी हैं इसमें ठीक है ये हो गई सारी और अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए ये आया ए और अब हमें ए वाला कोई वर्ड ढूंढना है इसमें तो यहाँ से ही स्टार्टिंग है ये इसको आ या ए बोला जाता है और यहाँ पर ये यह एन लिखा हुआ है और ये पूरी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दिया देखिए जैसे लिखा है इन्होंने व्यंजन ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों से पहले ए का प्रयोग और स्वर ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों से पहले एन का प्रयोग होता है ठीक है यहाँ पर इन्होंने समझाया भी है। देखो एक कोई आ गर्ल आ टीचर आ यूनिट एन आर एन ए आंट एन आइसबर्ग इस तरीके से यहाँ पर अब अगर हमें कोई वर्ड ढूंढना हो देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें ए वाले वर्ड्स देखने हैं जैसे ये सभी वर्ड्स आने देखिए एबरी ऐब तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया भी है इसको कि इसको बोलेंगे कैसे ऐब ये लिखा हुआ है देखिए एब और ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है जो भी चीज़ होती है मतलब ये वर्ड नाउन है यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है नाउन और ये इसका हिंदी मीनिंग आ गया सनमार्ग या सत्य पथ से संभवते अस्थाई विचलन या हटना ठीक है और इंग्लिश में भी इनको इन्होंने डिस्क्राइब किया है डिटेल में दिया है इसका मीनिंग स्टील समथिंग इन अ मोमेंट ऑफ एबरेशन ओके योग ऐसे ये एबल है ये एबल है सबको मतलब क्या पढ़ना है और ये एडजेक्टिव है या फिर नाउन है वर्ब है किस तरीके से है ये यहाँ पर ये लोग बताते हैं ठीक है इसमें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स याद करना चाहता है वोकेबलरी इम्प्रूव करना चाहता है इस्ट्रॉग करना चाहता है उसको तो उनके लिए तो मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर होनी चाहिए और 10-15 मिनट आधा घंटा एक घंटा निकाल के डेली इसको दें यानी पढ़ें आप इसको रोजाना ठीक है और देखिए यहाँ पर ये ए वाले वर्ड्स ही चल रहे हैं अगर हमें बी वाला कोई वर्ड ढूंढना है तो हम क्या करेंगे बी वाले सेक्शन में आएंगे ये बी वाला सेक्शन आ गया है हमारा यहाँ पर और सबसे पहला वर्ड इन्होंने यहाँ पर बी बी डबल ए यानी बा बा ठीक है ये लिखा है इन्होंने और ये नाउन है भेड़ या मेमने की आवाज़ होती है बा ठीक है अब बी वाला कोई भी वर्ड आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इस वाले सेक्शन मतलब यहाँ से शुरू है ये बी वाले जैसे मान लीजिए मुझे ब्रेव ढूंढना है ब्रेव के ब्रेव का मीनिंग क्या होता है तो आप आग, आग मतलब इसमें आगे चलेंगे अभी ये बी ए वाला चल रहा है ठीक है हमें ढूंढना है ब्रेव तो बी के बाद आर वाले में पहुंचे पहले आप ठीक है अभी ये बी आई है बी आर वाले में जाएंगे अभी बी ओ है ये ब्रेव ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये बी आर वाले चल रहे हैं ऊपर आप देखिए यहाँ पर ये बी ओ है और ये बी ओ है यहाँ पर भी और ये बी आर वाले शुरू हो गए हैं ठीक है तो ब्रेव में जाना है हमें बी आर ए वी ई स्पेलिंग होती है तो देखिए यहाँ पे बी आर ए बी आर ए यहाँ पर रहना गया लेकिन हमें लेना है बी आर ए वी ई तो देखिए बी आर एस आ गया बी आर ए टी ब्रैट आ गया और यहाँ पर आ गया ब्रे एडो लेकिन हमें लेना है ब्रेव तो देखिए ये है ब्रेव ब्रेव इसको कैसे पढ़ना है देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है ब्रेव और ये एडजेक्टिव है ठीक है और एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पर देखो यहाँ पर बताइए ये आर लिखा हुआ है ब्रैकेट में तो ये इसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटि डिग्री को इन्होंने डिफाइन किया है यहाँ पे बताया है ठीक है ब्रेव की कम्पेरेटिव डिग्री हो जाएगी ब्रेवर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी ब्रेवेस्ट एश्ट, यानी एस टी जुड़ जाएगा इसमें अब देखिए ये एडजेक्टिव है ठीक है इसका इन्होंने हिंदी मीनिंग लिखा है यहाँ पर बहादुर या साहसी और दूसरा मीनिंग इन्होंने लिखा है कोई कार्य है, साहस की आवश्यकता वाला यानी साहसपूर्ण ठीक है तो यहाँ पर ये बताया इन्होंने एडजेक्टिव है और आगे इन्होंने ब्रेव को वर्ब भी कहा है ठीक है साहस या वीरता से सामना करना यानी हिम्मत से बहादुरी से सामना करना अब देखो यहाँ पर इन्होंने इसका यूज़ भी दिखाया है तो ये यूज़ भी दिखा देते हैं वर्ड का कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में वी डिसाइडेड टू ब्रेव द बैड वेदर ठीक है वी डिसाइडिड टू ब्रेव द बैड वेदर यानी हमने बुरे मौसम का आ, सामना करने के लिए बहादुरी से सामना करने का फैसला किया इसका मतलब ये है ठीक है हमने बुरे मौसम का बहादुरी से ठीक है वीरता से बहादुरी से सामना करने का फैसला किया और ये आगे ब्रेवली मतलब पूरा ये डिफाइन करते हैं वर्ड को बहुत ही अच्छी चीज़ है इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को इसमें सर्च कर सकते हैं इसमें देखिए ये एल वाले चल रहे हैं आर वाले आ गए ये वी वाले आ गए इस टाइप से ये एंड में यहाँ पर इन्होंने अपेंडिक्स ये दे रखा है और ये देखिए वर्ब की फॉर्म्स भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं ये देखिए इरेगुलर वर्ब्स इन्होंने बता रखी हैं ठीक है थीके? ये वो वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म्स होती हैं जैसे फर्स्ट फॉर्म अराइज पास्ट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म अरोज और इसके थर्ड फॉर्म क्या होती है ये है अराइज़न तो फ्रेंड्स मैं इसको सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप जो हैं ये डिक्शनरी ज़रूर लें ठीक है अगर इंग्लिश सीखनी है बोलनी है तो देखो वर्ड मीनिंग तो याद करने ही पड़ेंगे और वर्ड मीनिंग याद करने के लिए इससे अच्छी चीज़ मैं कोई नहीं समझता ठीक है आप 10-15 मिनट ज़रूर निकालें इसको पढ़ने के लिए बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छी चीज़ है और सस्ती भी है ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है देखिए यहाँ पर ये इसका जो प्रिंट रेट है वैसे तीन है लेकिन ये इस पर डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप इसका ऑर्डर करेंगे तो ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं इसको और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा आप चाहें तो उस पर क्लिक करके इस ऑनलाइन डिक्शनरी मतलब इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी को ऑनलाइन आप ऑर्डर करके घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग